आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है पत्थरों का शहर। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने व्यापार में बहुत नाम कमाया और अपनी बेसहारा बहनों को शरण दी, किंतु उसकी बहनों ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी जान लेने की कोशिश की। जुबेदा अपनी बहनों से सच्चे दिल से प्रेम करती थी। अपनी बहनों को याद करके जुबेदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद जुबेदा की बड़ी बहन के पति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अफ्रीका में व्यापार करने का निश्चय कर लिया। बड़ी बहन अपने पति के साथ अफ्रीका चली गई। उसकी बड़ी बहन के पति ने बुरी आदतों में पड़कर अपना सारा धन गंवा दिया। उसने जुबेदा की बहन के गहने बेच दिए। धीरे धीरे जब सारा धन समाप्त हो गया तो वो उसकी बहन पर अत्याचार करने लगा। अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन जुबेदा की बहन अपने पति का घर छोड़कर बगदाद आ गई। अपनी बहन की दुर्दशा देखकर जुबेदा ने उसे अपने घर में शरण देकर कहा, बहन तुम मेरे लिए माँ के समान हो। खुदा ने मुझ पर दया करके तुम्हें मेरे पास भेजा है। मेरा व्यापार इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसे तुम अपना ही घर समझो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। वे दोनों बहनें बहुत आराम से रहने लगी। तभी एक दिन जुबेदा की मझली बहन भी अपने पति का घर छोड़कर मेरे पास आ गई। जुबेदा ने उसका भी खुले दिल से स्वागत किया। एक दिन जुबेदा की दोनों बहनों ने दोबारा विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जुबेदा ने उन्हें समझाया, देखो दोबारा विवाह करने का कोई लाभ नहीं है, मेरे पास इतनी धन दौलत है कि हम जीवन भर आराम से रह सकती हैं। भगवान की दया से मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा है, हम तीनों बहनें प्रेम से एक साथ रहेंगी। तुम पहले भी धोखा खा चुकी हो, दोबारा विवाह करने का विचार छोड़ दो। जुबेदा की बहनों ने उससे कहा कि तुम हमसे आयु में छोटी हो, हम तुम्हारे घर अधिक दिन नहीं रह सकते। यदि हम यहाँ अधिक दिन रहे तो तुम भी हमें अपनी दासी समझने लगोगी। अपनी बहनों की बातें सुनकर जुबेदा को बहुत दुख हुआ। मैंने फिर भी उन्हें समझाकर अपने पास रोक लिया। ईश्वर की कृपा से जुबेदा का व्यापार और भी अच्छा चलने लगा। उसने दूसरे शहरों में भी रेशमी वस्त्रों का व्यापार करने का निश्चय कर लिया। एक दिन उसने जहाज पर व्यापार का सामान लादा और अपनी बहनों के साथ बगदाद से बुशहर आ गई। फारस की खाड़ी में पहुंचकर उसका जहाज हिंदुस्तान के लिए चलने लगा। 20 दिन लगातार चलने के बाद वे ऐसे टापू पर पहुंच गई जिसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्वत था। वहां समुद्र के किनारे एक सुंदर नगर बसा था। बहुत देर तक जहाज पर बैठे बैठे जुबेदा बहुत थक गई और अपनी बहनों को जहाज पर ही छोड़कर वो समुद्र के किनारे आ गई। उसने नगर के द्वार पर तैनात सैनिकों और सिपाहियों को देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे सभी आकृतियां पत्थर की थीं। उस समय बाजार बंद था और न ही घरों से धुआं निकल रहा था और नगर में भी कोई हलचल नहीं थी। खुले मैदान में एक बड़ा फाटक था जिस पर सोने के पत्थर लगे थे। जुबेदा फाटक के अंदर चली गई तो सामने एक दरवाजा दिखा। दरवाजे पर रेशमी पर्दा लटक रहा था। पर्दा उठाकर वो अंदर चली गई। वहां पर कई चौबदार बैठे थे। सभी चौबदार पत्थर के थे। कुछ दूर एक भवन और भी था। वो उस भवन में चली गई। वहां सब कुछ पत्थर का था। जीता जागता कोई भी मनुष्य नहीं था। फिर वो दूसरे मकान में गई। उस मकान के सभी दरवाजे सोने के बने थे। उसने दालान के अंदर जाकर देखा तो वहां पर रानी का कमरा भी था। उस कमरे में रतन जड़ित मुकुट पहने हुए एक पत्थर की स्त्री बैठी थी। वो रानी ही थी। उसके गले में एक नीलम का हार था। कीमती रत्नों को देखकर वो हैरान हो गई। तभी रतन बिल्कुल गोल और चिकने थे। फर्श पर पड़े हुए गद्दे और गलीचे भी कीमती वस्त्रों से बने थे। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सुंदर सुंदर कई मकान थे। वहां उसे एक विशाल भवन दिखाई दिया। वहां पर एक सोने का विशाल सिंहासन था। सिंहासन के चारों ओर मोतियों की झालर लटक रही थी। सिंहासन के ऊपर शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार का एक हीरा रखा था। उस हीरे में इतनी चमक थी कि उस पर किसी की भी नजर नहीं ठहर सकती थी। उस हीरे से प्रकाश की लपटें निकल रही थी। जमीन पर एक मोम का दीपक जल रहा था। चारों ओर तकिए रखे थे। जलते दीपक को देखकर उसे यकीन हो गया कि यहां पर कोई तो जीवित मनुष्य जरूर होगा जिसने इस दीपक को जलाया है।
वहां की विचित्र वस्तुओं को देखकर वो अपनी बहनों को भूल गई। उसके मन में ये जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी कि यहाँ की सभी वस्तुएं पत्थर की कैसे हो गई। इसी कश्मकश में कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। जिस कमरे में हीरा रखा था वो उसी में चली गई। वो वहां जाकर लेट गई और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगी ताकि दिन निकलने पर अपनी बहनों के पास जा सके। सुनसान जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कुरान का पाठ कर रहा हो। उसने दीपक उठाया और उस आवाज की ओर चलने लगी। कई कमरे पार करने के बाद वो उस कमरे में पहुंच गई जहां से कुरान पाठ की आवाजें आ रही थी। वहां पर एक मस्जिद बनी थी और मोम के दो दीपक जल रहे थे। वहां पर एक सुंदर युवक कुरान का पाठ कर रहा था। पत्थर के मनुष्यों की भीड़ में एक जीते जागते मनुष्य को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। वो भी नमाज पढ़ने लगी। उसने खुदा को धन्यवाद दिया और अपने देश वापस लौटने की दुआ मांगने लगी। उस युवक ने उसका परिचय पूछा। जुबेदा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। जुबेदा ने उससे वहां की रहस्यमयी वस्तुओं के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। उस युवक ने कुरान का पाठ पूरा किया और कुरान को एक जरी के कपड़े में लपेटकर आले में रख दिया। जुबेदा मन ही मन उस युवक के रूप सौंदर्य पर मोहित हो चुकी थी। जुबेदा को नमाज पढ़ते देखकर वो युवक बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने विषय में सब कुछ बताने लगा। उस युवक ने जुबेदा को बताया कि उसके पिता इस नगर के बादशाह थे। यहाँ के बादशाह और प्रजा सभी अग्नि पूजक थे और नारदीन की पूजा करते थे। नारदीन पुराने समय में जिन्नों का सरदार था। मेरे पिता के सभी साथी अग्नि पूजक थे। मेरे पालन पोषण के लिए एक मुसलमान दाई रखी गई थी। उसने मुझे बचपन में ही कुरान याद करा दी। उसने मुझे बताया कि ईश्वर के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। दाई ने मुझे गुप्त तरीके से अरबी भाषा भी सिखाई। मैं अपने धर्म पर आज तक दृढ़ हूँ। मेरे नगरवासी अग्नि पूजक और जिन के उपासक थे। दाई की मृत्यु के पश्चात 3 वर्ष तक लगातार आकाशवाणी होती रही, हे नगरवासियों, सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करो, नारदीन और अग्नि की पूजा करना छोड़ दो। बादशाह और नगरवासियों ने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में ईश्वरीय प्रकोप के कारण जो व्यक्ति जिस दशा में था पत्थर का हो गया। मेरी माँ सिंहासन पर बैठी थी, वहीं पर पत्थर बन गई। मेरे पिता काले संगमरमर के बन गए। मैं मुसलमान था और इस्लाम में मेरी निष्ठा थी, इसी कारण मुझे ये दंड नहीं मिला, जिसके कारण मैं जीवित रह गया। मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। उस युवक के प्रति जुबेदा का प्रेम और भी बढ़ गया। उसने कहा, हे युवक, समुद्र के किनारे मेरा जहाज माल से लदा खड़ा है, आप मेरे साथ बगदाद चलिए। बगदाद के खलीफा बहुत न्यायप्रिय हैं, वे तुम्हारे योग्य कोई पदवी जरूर देंगे। उस युवक ने जुबेदा की बात मान ली। दोनों सारी रात बातें करते रहे। सुबह होते ही हम दोनों जहाज पर आ गए। जहाज पर जुबेदा की बहनें उसका इंतजार कर रही थी। जुबेदा ने अपनी बहनों को उस युवक के विषय में सब कुछ बता दिया। जहाज के माझियों ने जुबेदा की आज्ञा से व्यापार का सामान उतारकर जहाज में कीमती रत्न और खाने पीने का सामान भर लिया। वो अतुल धन संपत्ति की मालकिन बन गई। अपने प्रिय शहजादे के साथ उसने अपने देश की ओर प्रस्थान कर दिया। जुबेदा को शहजादे के साथ देखकर उसकी बहनें उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने अपनी बहनों से कह दिया कि वो बगदाद पहुंचकर इस युवक से विवाह करेगी। जुबेदा की बात सुनकर उसकी बहनें उसकी शत्रु बन गईं और उन्होंने उन दोनों को मारने का निश्चय कर लिया। एक दिन जुबेदा और उसका शहजादा गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उसकी बहनों ने उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक दिया। बेचारा शहजादा तैरना नहीं जानता था, वो समुद्र में डूबकर मर गया। जुबेदा अच्छी तरह से तैरना जानती थी, इसलिए तैरते तैरते एक उजाड़ द्वीप के तट पर पहुंच गई। वहां से बुशहरा का बंदरगाह केवल 2 कोस की दूरी पर था। जुबेदा ने वहां पर फल खाकर ठंडा पानी पिया और आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में लेट गई। उसने वहां पर एक ऐसा सांप देखा जिसके दोनों ओर पंख थे। वो सांप जीभ लपलपाता हुआ कभी उसकी दाईं ओर आ जाता तो कभी बाईं ओर आता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कष्ट हो और वो उससे सहायता मांग रहा हो। जुबेदा ने उठकर इधर उधर देखा तो वहां बहुत लंबा दूसरा सांप भी था। दूसरा सांप पहले सांप को खाना चाहता था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर दूसरे सांप के सर पर दे मारा। दूसरा सांप वहीं पर मर गया। पहला सांप पंख खोलकर हवा में उड़ गया। ये देखकर
वो बहुत डर गई। इसके बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक सुंदरी दो काली कुतियों के साथ उसके सिरहाने बैठी है। उस सुंदरी ने कहा, मैं वही सांप हूं जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने आई हूं। वास्तव में मैं एक परी हूं। अपनी परी बहनों के साथ हम तुम्हारे जहाज पर गए और तुम्हारी बहनों को कुतिया बना दिया। तुम्हारे जहाज का सामान तुम्हारे घर पहुंचा दिया। हमने जहाज को समुद्र में डुबो दिया। इतना कहकर वो परी जुबेदा और उन कुतियों को उठाकर आसमान में उड़ गई। उसने उन्हें बगदाद में मेरे घर छोड़ दिया। उस परी ने उससे कहा, तुम्हारी बहनों को अभी और भी सजा भुगतनी है। तुम उन्हें रोज 100 कौड़े मारोगी। यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम परियां तुम्हारी मित्र हैं। तुम जब कभी हमें याद करोगी हम हाजिर हो जाएंगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। परी की आज्ञा से ही जुबेदा कुतिया बनी अपनी बहनों को 100-100 कौड़े मारती है और बाद में सजा देकर वो स्वयं भी रोती थी।